हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित महाजनपद काल पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, सिकंदर महान के बारे में पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका वीडियो है और आपकी एग्जाम में यहाँ से दो नंबर आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलते यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मगध के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के नीचे हम लोग टेस्ट पेपर भी लगाएंगे, ये भी आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मगध साम्राज्य के बारे में एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहला कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो आपकी क्या थी, गिरव्रज अर्थात राजगृह थी। क्या थी, गिरव्रज, या इसे कह सकते हैं राजगृह थी। अगर बात करें कि मगध साम्राज्य का जो संस्थापक, ये आप कह सकते हैं शासक था, आपका बिंबसार था, जिसे मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वह हर्यक वंश का प्रथम शासक भी कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिंबसार जो था वो किसके समकालीन था, तो आपके बुद्ध के समकालीन आपका कौन था, बिंबसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना, आपका ये क्षेत्र था पटना, गया, वो आपका शाहबाद क्षेत्र आपके इसके अंतर्गत आता है। इसका जो उल्लेख आपका है तो जैन साहित्य में बिंबसार को छिड़िक कहा गया है, ठीक है, आपके जैन साहित्य में बोला गया है आपके बिंबसार को छिड़िक कहा गया है। साथ में एक विशेष आप पॉइंट देखना है कि सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बाद में अन्य जनपदों का विलय कर लिया गया, ठीक है ना। लक्ष्य क्या रहा है, तो इनका जो लक्ष्य था विजय व वैवाहिक संबंध, ठीक है, विजय व वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का विस्तार करना, यही रहा है आपके मगध साम्राज्य की लीला, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पर मगध साम्राज्य में आपका जो पहला वंश आता है आपका हर्यक वंश होता है, ठीक है, कौन होता है, हर्यक वंश। और ये आपका जो वंश रहा है आपका बौद्ध धर्म का समर्थक रहा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हर्यक वंश था वो आपका किसका समर्थक था, तो बौद्ध धर्म का समर्थक था, क्योंकि इसके समकालीन मेन था, ये कारण कि समकालीन था, इस कारण बौद्ध धर्म का समर्थक आपका हर्यक वंश था। पहला भी हमने अपने संस्थापक पढ़ा कि बिंबसार, और इसे श्रेणिक भी कहा जाता है, ठीक है, बिंबसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका है पितृहंता पुत्र, अर्थात कह सकते हैं कि जो आजाद शत्रु था उसने अपने पिता बिंबसार की हत्या कर दिया था, इस कारण से आपका जो हर्यक वंश होता है इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जितने भी राजा आए हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका बिंबसार है, फिर अजात शत्रु है, फिर इसके बाद आपका दूसरा आएगा, ठीक है, उदयन आएंगे, ये सभी ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब आते हैं यहाँ पर अजात शत्रु के बारे में। तो यहाँ पर अजात शत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक। ये आपका पिछली बार उठाकर पेपर देखिए 2018 में आपका पूछा गया था, अजात शत्रु का जो उपनाम था वो क्या है आपका, कुणिक है, ठीक है ना, कुणिक। और इनका जो शासनकाल देख सकते हैं, इनका शासनकाल इतने से आपका चला था, ये आपका ईस्वी पूर्व की बात चल रही है, ठीक है ना। जो अजात शत्रु थे इनकी माता का नाम था चेलना और पत्नी का नाम था वाजिरा। जो वाजिरा थी वो प्रसेनजीत की पुत्री थी, ठीक है ना। और आपके अजात शत्रु के समय में ही आपकी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखना कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी आपके अजात शत्रु के समय में ही हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, राजगिरी में हुई थी। कब हुई थी, तो आपकी ये 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में आपकी एक गुफा का नाम है सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में आपकी हुई थी। और यहाँ के जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप आपके प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर आपके देखिए बुद्ध की जो शिक्षा विभक्त की गई थी सूत्र पिटक में और आपकी विनय पिटक में आपकी यह विस्तृत की गई थी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने पुत्र की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे आपके उदयन, ठीक है, उदयन से संबंधित क्वेश्चन आपका आता है, क्योंकि इन्होंने पाटिल पुत्र की स्थापना किया था। इनका जो शासनकाल आपका है तो 661 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व तक आपका है। और एक पॉइंट याद रखना कि जो उदयन है, ठीक है, आपके उदयन है,
ये आपके संबंधित हैं, जैन धर्म के समर्थक थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो उदयन मात्र थे वो आपके जैन धर्म के समर्थक थे, ठीक है ना। और इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन क्यों किया, क्योंकि इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना कर लिया था उदयन ने, और इन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका पाटलिपुत्र है आपकी गंगा और सोन नदी का संगम है, वहीं पर आपका पाटलिपुत्र बसा हुआ है। इसके जो आपके उदयन थे इनके आपके तीन पुत्र हुए, एक थे अनिरुद्ध हुए, दूसरे मुंडक और तीसरे आपके थे नागदशक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हर्यक वंश के संस्थापक थे अर्थात हर्यक वंश का अंतिम शासक आपके कौन थे, तो नागदशक थे, ठीक है नागदशक। इसके बाद आपके आते हैं अगला शिशुनाग वंश, ठीक है। यहाँ पर आपका जो अगला वंश आता है तो शिशुनाग वंश होता है, संस्थापक कौन आपके शिशुनाग है, ठीक है शिशुनाग है। और यहाँ पर देख सकते हैं विवरण में कि हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक अयोग्य अमात्य व्यक्ति ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, समझ गए ना। और ये जो वंश था इसकी राजधानी आपकी वैशाली थी, क्या थी वैशाली, अर्थात आपके शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी, ठीक है शिशुनाग की राजधानी थी वो आपकी वैशाली थी। वैशाली भी उस समय आपका बहुत ही, अभी आपको वीडियो इसी वीडियो के नीचे देखने को सब चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी आपको दिमाग में डाउट आ रहा हो सब पॉइंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी वैशाली, ठीक है तो राजधानी वैशाली थी। इसके बाद आपका आता है कालाशोक, ठीक है या इसे काकवर्ण कहा जाता है। जो कालाशोक है तो कालाशोक से क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इनकी राजधानी परिवर्तन किया था इन्होंने, फिर से पाटलिपुत्र का लिया था, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपका है कि द्वितीय बौद्ध संगीति इसका आयोजन वैशाली में हुआ था आपके कालाशोक के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है और वो आपकी हुई थी 483 में, दूसरी हुई थी आपकी 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है ना। और इस समय कह सकते हैं अध्यक्ष कौन थे आपके, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे आपके सब्बक मीर, ठीक है सब्बक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। यहाँ पर बौद्ध संघ विभक्त हुआ आपका स्थावीर में और आपके महासंगिक में। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है जो कि आपका अंतिम शासक था नंदीवर्धन, ठीक है नागवंश शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था, ठीक है नंदीवर्धन। अब आपका अगला वंश आता है नंदवंश, ठीक है नंदवंश। ये वंश आपका जैन धर्म का समर्थक था, ठीक है ये वंश आपका जैन धर्म का समर्पक था, मतलब समर्थक था। और इसके जो संस्थापक हैं महानंदिन माने जाते हैं और इन्हीं को महापद्मानंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है नंदवंश के संस्थापक आपके कौन थे, महापद्मानंद थे, ठीक है जिन्हें महानंदिनी के नाम से जाना जाता है। इनकी उपाधि एक थी कि एकराट व आपका एकच्छत आपका उपाधि थी, भार्गव कह सकते हैं परशुराम का अवतार ये मानते थे। और इसके बाद बता दें कि आपकी जो महापद्मानंद थे इनके बाद आपके 8 पुत्र होते हैं, लेकिन कोई भी आपका सही से होता नहीं, अयोग्य होते हैं, इस कारण इनके बारे में आपको जो 100 वर्ष इनका रहा शासनकाल इनका रहा, और लास्ट में आपका जो अंतिम शासक आपका होता है नंदवंश का वो होता है आपका घनानंद। यहीं से क्वेश्चन आता है कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, आपका घनानंद था, ठीक है ये पॉइंट याद रखना। और घनानंद के समय ही आपका सिकंदर महान आता है भारत में, ठीक है सिकंदर का समकालीन चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पर किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि घनानंद के समय में आपका जो आक्रमण हुआ था आपका विदेशी आक्रमण ये हुआ था आपका सिकंदर का, ठीक है किसका, सिकंदर का। अब हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर महान के बारे में, तो देखिए आपका जो सिकंदर कौन था, तो सिकंदर आपके मकदूनिया के शासक फिलिप सेकंड का पुत्र था, ठीक है मकदूनिया के शासक फिलिप सेकंड का पुत्र था, जो कि कह सकते हैं कि इसने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की ओर चला, जहाँ के शासकों ने उसे समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात जिस क्षेत्र से सिकंदर आया था उस क्षेत्र में जितने लोग मिल रहे थे सभी अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे थे। उस समय मगध का साम्राज्य, हम कह सकते हैं कि मगध के जो संस्थापक था, या उस समय मगध संस्थापक नहीं कहेंगे, मगध में जो आपका नंदवंश चल रहा था, ठीक है ना नंदवंश चल रहा था, तो उस समय नंदवंश जो था आपका कौन, घनानंद, जो कि कह सकते हैं नंदवंश का अंतिम आपका शासक बचा था घनानंद, उसी के समकालीन था। और उसी समय पंजाब के राजा पोरस थे, ठीक है पंजाब के राजा पोरस थे, और पोरस ने सिकंदर के साथ,
ठीक है, जो आपके राजा पोरस थे वो सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइड्रेस्पीज, ठीक है, हाइड्रेस्पीज या इसे वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है, तो हाइड्रेस्पीज या वितस्ता या आपका झेलम की नदी के किनारे लड़ा गया था, परंतु पोरस हार गया। नवंबर 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर वापसी की यात्रा शुरू कर दिया था, इसी जगह से वापस चला गया था। यहाँ पर वह भारत घूम छोड़कर कहाँ गया था, बेबीलोन, और बेबीलोन जो आपका पड़ता है बगदाद में चला गया, और वहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी, कब, तो आपके 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। अब यहाँ पर देखिए सिकंदर था कौन, कौन था, कैसा हुआ भारत में इसका कैसा, सब के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यह था सिकंदर यूनान के राजा मकदूनिया का शासक था, ठीक है, सकते हैं कि काबुल व सिंध के बीच जो कह सकते हैं सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना यही करवाया था, ठीक है, सिकंदरिया नामक जो आपका नगर पड़ता है काबुल व सिंध में, तो आपके इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। एक मूवी आपकी आई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, और सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो सिकंदर गुरु बहुत पूछा गया है, तो सिकंदर के गुरु थे आपके अरस्तु, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिकंदर खैबर दर्रे से आपके भारत में होकर आया था, और पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा जो आपके अंबी के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, तक्षशिला के जो आपके राजा थे अंबी के साथ हुआ था। दूसरा पॉइंट कि पोरस का राज्य झेलम व चिनाव नदी के बीच पड़ता था, ठीक है, पोरस का जो राज्य था वो झेलम व चिनाव के बीच पड़ता था, और सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय, अर्थात यहाँ पर हमने अभी बता दिया था इनके बारे में कि युद्ध हो चुका है, ठीक है ना, सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को तीन हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, और तीन यूनानी गवर्नरों को सौंप दिया था। यहाँ पर एक पॉइंट देख सकते हैं कि सिकंदर ने दो नगर बसाए थे, दो नगर थे, एक आपका था बुकाफेला जो कि झेलम नदी किनारे, दूसरा आपका था निकाया बसाया था, दो आपके थे, पहला आपका दो देखिए यहाँ पर बुकाफेला जो कि झेलम नदी किनारे, दूसरा आपका निकाया बसाया गया था। पहला नगर उसने अपने घोड़े के नाम पर, क्योंकि उसके घोड़े का नाम था बुकाफेला, उसके नाम पर बसाया था। दूसरा नगर जो पोरस पर विजय की स्मृति पर बसाया था निकाया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने था, दो भागों में, एक जो सिकंदर मुहाने पर आया था, मतलब कह सकते हैं कि वापसी के समय सिकंदर की सेना दो भागों से विभक्त हुई थी, एक आपकी जो जल थी, और जलमार्ग का जो नेतृत्व कर रहा था निर्याकस, मतलब कह सकते हैं कि सिकंदर सेना का जल नायक कौन था, तो आपका निर्याकस था, जो स्थल सेना का था वो आपका क्रेटरेस था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध हुई थी। दूसरा पॉइंट देखना है कि भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण दूसरा विदेशी व प्रथम यूरोपीय था, अर्थात यहाँ पर भारत में इसके पहले ईरानियों ने यहाँ पर आक्रमण किया, फिर इसके बाद दूसरा आक्रमण यहाँ पर सिकंदर ने किया, लेकिन ये प्रथम आपका यूरोपीय आक्रमण माना गया, ठीक है ना। अब पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिकंदर एकमात्र ऐसा इतिहास पुरुष था जिसका जन्म मरण व अंतिम संस्कार तीन अलग अलग देशों में हुआ था, ठीक है। ये देखिए जन्म हुआ था मकदूनिया जो कि यूरोप में पड़ता है, मरण हुआ था आपका बेबीलोनिया में जो कि एशिया में पड़ता है, ठीक है ना, और जो अंतिम संस्कार हुआ है वो आपका सिकंदरिया में हुआ है, ठीक है, सिकंदरिया में। और ये भी आपका जो पड़ता है, अभी हमने आपको बताया था कि आपके जो सिंध प्रांत था उसके बीच हुआ था, यहाँ पर ये पॉइंट आपका अफ्रीका जो दिया है वो आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि सिकंदरिया आपके यहीं पर पड़ता है। तो इस प्रकार के आपके तीन देशों में उसका जन्म वगैरह आपका हुआ था, ठीक है, जन्म मरण और अंतिम संस्कार। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि देखिए आपके महाजनपद काल से क्वेश्चन आपका मिलेगा क्या, कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगंतुर निकाय में मिलता है, 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय मिलता है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका जो वैशाली का लिच्छवी गणराज है, वैशाली का लिच्छवी गणराज है वो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो ब्रज संघ की राजधानी थी, और इसका गठन आपका 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए आपके जो 16 महाजनपद है कहाँ कहाँ पर आपके बसे हुए थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके 16 महाजनपद थे आपके यहाँ तक में, ठीक है। ये आपका अंतिम बिंदु है आपका कौन सा, ये गोदावरी के पास अस्मक, यही एक ऐसा
कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों में एक दक्षिण का था जो आपकी गोदावरी या दक्षिण भारत में था, अस्मक, ये एकमात्र ऐसा है जो आपके दक्षिण भारत में आपका ये गया था महाजनपद काल में एक ये जनपद। अदर आपकी यहाँ पर देख सकते हैं सभी आपके इस प्रकार से दिए गए हैं, आपको यहाँ पर पीडीएफ में भी दे देंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है आपका, कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र, शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था, कोसल था, वत्सा और आपका अवंती, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया कि अस्मक एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर आपका दिया है कि विश्व का प्रथम जो हमने अभी आपको पढ़ाया हुआ था, अब यहाँ पर देखिए आपके जो महाजनपद हैं उनके वर्तमान कह सकते हैं कि जो नाम क्या है, स्थित कहाँ पर है, तो काशी आपने नाम सुना होगा, इनकी राजधानी वाराणसी थी और आधुनिक नाम भी आपका वाराणसी है। कोसल जो कि कह सकते हैं इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश है। अंग जो आपका अंग महाजनपद था उसकी राजधानी आपकी चंपा थी जो कि आपके बिहार के भागल और मुंगेर जिले में पड़ती है। मगध का नाम सुना है, इसकी राजधानी आपने देखा कि गिरब्रज या राजगरा थी जो कि पटना गया और गया के पास पड़ता है। वज्र जो कि मिथिला वैशाली और ये आपका वैशाली में पड़ता है। मल्ल और इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा थी और ये वैशाली के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। और अगला दिया है आपका चेदी जो कि कह सकते हैं सुक्तिमती, ये राजधानी थी और आधुनिक स्थान आपका बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है। वत्स जो कि आपका कौशाम्बी है और ये कौशाम्बी आपका इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। कुरु जो कि आपका इंद्रप्रस्थ है और ये दिल्ली मेरठ के आसपास क्षेत्र पड़ता है जो कुरु था। आपका जो कह सकते हैं पांचाल, ये पांचाल आपका अहत्र या कंपिल या कह सकते हैं रुहेलखंड में आपका वर्तमान आधुनिक स्थान आपका रुहेलखंड है। जो मत्स्य जो था वो विराटनगर है जो कि कह सकते हैं जयपुर भरतपुर आपके अलवर राजस्थान के पास आपका पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद आपका यहाँ पर दिया है सूरसेन, और सूरसेन आपका जो मथुरा है राजधानी थी और आधुनिक आपका मथुरा है। अस्मक जो कि कह सकते हैं पोतन या प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र के पैठन के पास पड़ता है। अवंती जो कि सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसकी राजधानी उज्जैनी या कह सकते हैं महिष्मती और उज्जैन के पास पड़ता है। गांधार जो कि राजधानी तक्षशिला थी, काबुल और रावलपिंडी के पास पड़ता है। और आपका कंबोज जो कि कह सकते हैं लाजपुर है, इसकी राजधानी थी और ये कश्मीर का पुंछ क्षेत्र आपका पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आपका दक्षिण में एक था आपका, अभी हमने बताया था कि अस्मक, उसका जो वंश था वो किस वंश से संबंधित था है? तो आपके इच्छवाक वंश से संबंधित था आपका ये राजा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर देख लीजिए, जो मगध साम्राज्य था वो आपका यहाँ पर था। मगध साम्राज्य कहाँ पर है? आपके इस क्षेत्र में है, इसलिए मगधी वगैरह आपके इस क्षेत्र में बोली जाती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। यहाँ पर आपको सबको पता है कि अरब सागर, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा पर्सन आपका आपके दे दिया गया है सिकंदर के बारे में, ठीक है। सिकंदर के बारे में दिया गया था, उसके पहले आपने एक पॉइंट बताया था कि भारत में सर्वप्रथम जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों के द्वारा आपका किया था, ठीक है। ईरानी जो शासक था आपका वो दारयव था या अर्थात या डेरियस था, जो 516 ईस्वी पूर्व में पश्चिम भारत में घुस गया और उसने पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंधु को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। अच्छा, ये भी आप देख लिया। अब यहाँ पर देखना है कि आपकी जो बौद्ध संगीति थी, तो बौद्ध संगीति का नाम अभी आया था, तो यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक दिया है, और इसके आपके किसके शासनकाल में हुए हैं और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये आपके चारों दे दिया है। हमने जो बौद्ध साम्राज्य पढ़ाया है बौद्ध, तो वो भी उसके बारे में हमने यहाँ पर बता दिया है, वहाँ पर आपको देखने को ये मिल जाएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पर चलते हैं जो आपके टेस्ट पेपर में आ चुके हैं। टेस्ट पेपर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अभी हमने बताया था कि आपका जो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, कौन? अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। यहाँ पर आपका सर्वप्रथम कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ये आपकी जो शताब्दी हो जाएगी ईस्वी पूर्व की छठी शताब्दी, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ईस्वी पूर्व की छठी शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि महाभारत के अनुसार
उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो अभी हमने बताया था कि जो पांचाल, जो उत्तरी पांचाल की राजधानी है वो आपकी कौन थी, यहाँ पर आपका अहिच्छन, कौन, अहिच्छत्र, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अहिच्छत्र। कह सकते हैं कि वर्तमान में ये बरेली के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, बरेली के क्षेत्र में पड़ता है, और इसके उत्तरी पांचाल की जो राजधानी, मतलब इस एरिया समझ गए, और इसके उस समय जो उत्तरी, ये आपका दिया है उत्तरी पांचाल की राजधानी, ठीक है, अहिच्छत्र। और एक आपको यहाँ पर मिलेगा जो दक्षिणी पांचाल की थी, दक्षिणी पांचाल, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी आपके फर्रुखाबाद में कंपिल पड़ती है, ठीक है ना। तो उत्तरी भी समझ गए और पश्चिमी आप समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया, ठीक है, ये आपका कौन था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या भी की और इसके पुत्र ने इसे मारा भी था। अजातशत्रु का उपनाम अभी हमने बताया था कुड़िक था, क्या था, कुड़िक था। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तरणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया था। और इसका जो पुत्र था उदीन, इसने उदीन के द्वारा इसकी मृत्यु की गई थी, अर्थात इसके पुत्र के द्वारा मृत्यु की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अभी हमने बताया था कि विश्व का पहला गणतंत्र कौन था आपका, यहाँ पर वैशाली, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो 5 का ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात लिच्छवी के द्वारा ये आपका स्थापित किया गया था, ठीक है ना। वैशाली जो कि बिहार के, बिहार में है, और बिहार के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, ठीक है, जो कि लिच्छवी वज्र संघ में प्रमुख थे, ठीक है, व्रज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। जो आपका श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास किस आकृति का है, यहाँ पर आपको दिया गया है, और शिक्षक आसन राइट आपका हो जाएगा बी, अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार आपका ये था, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती, किसकी, आपकी कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, और इसका जो आकार है वो आपका अर्धचंद्राकार था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न से किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो मालवा क्षेत्र का, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ था वो हुआ था आपके, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, शिशुनाग के समय हुआ था। पुराणों के अनुसार देखा जाए तो मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रघोत को पराजित किया, और अवंती यह कह सकते हैं मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया, और शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो था कालाशोक गद्दी पर बैठा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है मगध का सम्राट जो अपरोध, मगध का सम्राट जो अपरूप परशुराम के नाम से जाना जाता है, ये आपका जो जाना जाता है, आठ का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके महापद्मानंद, कौन, महापद्मानंद, जो कि नंद वंश के संस्थापक हैं, और ये पुराणों में आपका जो नाम दिया गया है ये आपको पुराणों में दिया गया है, ठीक है ना। इसे परशुराम का द्वितीय अवतार माना जाता है, ठीक है, और ये क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं सही है, यहाँ पर कौन, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, कौन सा नहीं था, तो 9 को ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात देखिए आपका योधे ये नहीं था, लेकिन ये आपके दोनों मिलते हैं, ठीक है ना, ये आपका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी, मगध की राजधानी कौन सी थी, 10 का ऑप्शन राइट आपका सी, गिरिव्रज या राजगरा थी, ठीक है ना, गिरिव्रज या राजगरा थी। देखिए पुराणों के अनुसार देखा जाए तो बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था, और इस वंश के प्रथम शासक थे बृहद्रथ, और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जिसने गिरिव्रज या राजगरा को अपनी राजधानी बनाया,
और उदिन ने राजगृह से राजधानी ने आपके पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, अभी हमने आपको बताया था ठीक है कि राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र जो स्थानांतरित किया था वो उदिन ने किया था, लेकिन वहीं पर शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया और पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। और कह रहा है चेद वंश का राजा खारवेल, अर्थात जो आपका राजा खारवेल था वो किस क्षेत्र से संबंधित था, और ये आपका चेद वंश से संबंधित है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पर, तो ऑप्शन राइट आपका 11 का यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी कलिंग का था। ठीक है, कलिंग का था, कह सकते हैं कि जो चेद या चेत वंश का जो प्रसिद्ध शासक था खारवेल वो कलिंग के संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक था, जो जैन धर्म की अनुयायी था, और खारवेल के विषय में जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है, या कह सकते हैं कि उदयगिरी गुफाओं में साक्ष्य इसके मिलते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा कलिंग, जो खारवेल आपका उड़ीसा साइड आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात आपके कालाशोक के समय हुई थी, आपके जो कह सकते हैं कि शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक था, और जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इसी संगीति जो कह सकते हैं 383 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जो कि 13 नंबर है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, और यही आपका जनपद था जो कह सकते हैं दक्षिण भाग में था, ये आपका हो जाएगा अस्मक, कौन अस्मक, यहाँ पर 13 का ऑप्शन हो जाए अस्मक हो जाएगा। ठीक है ना, जो दक्षिण भारत में नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, और जिसकी राजधानी पैठन या पोतन थी। ठीक है ना, और प्राचीन नाम इसका प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, जो आपका प्राचीन नाम काल था उसमें से अवंतिका के नाम से जाना जाता था किसको, यहाँ पर ऑप्शन राइट 14 का हो जाएगा डी, अर्थात मालवा क्षेत्र जो था वो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ किस जिले में स्थित है, प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ किस जिले में स्थित है, तो ये आपका जो नैमिषारण है ये आपका कहाँ पड़ता है, बहुत लोगों का मानना है कि इसके बारे में बताते हैं, तो जो नैमिषारण है आपका वो पड़ता है आपके ऑप्शन राइट आपका सी सीतापुर में पड़ता है। ठीक है, सीतापुर पड़ता है, और प्रसिद्ध नैमिषारण जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर जो कह सकते हैं सोमवती अमावस्या को मेला लगता है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर लगभग 88,000 ठीक है 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया गया था, और इसके समीप आप कह सकते हैं कि मिश्रिक नामक स्थान पर महर्ष दधीच का आश्रम भी है, अर्थात इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, और आपके 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी इसलिए आपका ये सीतापुर जाना जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन हमने लिया था, आपको कमेंट करके यहाँ पर ये बताना है कि जो बिंबसार था ठीक है बिंबसार, तो बिंबसार की राजधानी क्या थी, आपको कमेंट करके बताना है बिंबसार की राजधानी क्या थी। ठीक है, समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, तो वीडियो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो आपको वीडियो हैं आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।